दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इमली की मीठी चटनी। तो उसके लिए मैंने इमली को भिगा दिया था। 100 ग्राम इमली थी, देखिए उसको भिगा कर मैंने, ये जो है मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, चॉपर, तो चॉपर में मैंने इसको ऐसे करके ले लिया। तो ये अच्छी तरह अभी इसका जो भी जूस है वो निकल जाएगा, जो पहले निकला था तो उसको मैंने छान कर ले लिया था। अब मैं इस वाले का जूस ऐसी छान कर निकाल लूँगी। तो देखिए अब मैं इसको ये बर्तन में छान लेती हूँ, जिस पानी में मैंने भिगाया था इमली का। मैं इसमें यही छना हुआ मेरा पानी डाल देती हूँ। इसको हाथों से ही करना, जो भी इसमें जूस होगा वो अच्छी तरह इमली का सब, जिसको प्लब भी कहते हैं, इमली पल कहते हैं, वो निकल आएगा। चलिए इसको भी मैं छान लेती हूँ अच्छी तरह से। छन्नी में जम जाता है ये, तो इसको ऐसे चलाते हुए अच्छी तरह से निकालेंगे इसका जूस। ये निकालते निकालते ऐसे चम्मच से जम जाता है छन्नी में, तो इसको चम्मच से। ये छन्नी में जम जाता है तो हम चम्मच की मदद से इसको ऐसे दबाते हुए निकालेंगे, इसका सारा जूस निकलेगा। छानना ज़रूरी है, बिना छाने बनाएंगे तो हम सब इसमें जो गूदा है इमली के जो सूते हैं वो सब आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, सारा छान के ले लिया है मैंने। देखिए इसमें कचरा वचरा भी, जो भी इसके इमली में जो भी सूते होते हैं वो सब निकल के आए, सभी अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल दिया है, इतना पानी निकला है। चलिए अब हम इसको पकने रख देते हैं। इसको अच्छी तरह पकाना है पहले, फिर हम इसमें जो भी हमारे मसाले, चीनी, गुड़ डालेंगे। पहले इसको अच्छी तरह मैं पकने देती हूँ। देखिए ये जो भी ऊपर का फेस आ रहा है ना, झाग, हम लोग फेस भी बोलते हैं इसको, तो ये मैं फेंक देती हूँ निकाल कर। देखिए इसका सारा झाग मैंने फेंक दिया है निकाल कर। अब अच्छी तरह इसको पकने दूंगी, जब तक ये पकते पकते आधा नहीं हो जाए इतना उसको पकाऊंगी, क्योंकि हमें स्टोर करके रखना है इसे। देखिए दोस्तों, पकते पकते इतना कम हो गया है ये, तो अब मैं चलिए इसमें चीनी और मसाले डाल देती हूँ। एक कप में इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से मीठा रख सकते हो, ठीक है। एक छोटा चम्मच में काला नमक डाल रही हूँ। एक चम्मच जीरा पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। गरम मसाले में भी मेरा ज़ीरा पाउडर है, और ये वाला मैंने आधा चम्मच और डाला है।
एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जिंजर पाउडर, जिंजर की जगह आप जिंजर का पेस्ट भी ले सकते हो। आधा चम्मच सादा नमक जो हम रोज डेली यूज करते हैं। चलिए इन सबको चला देती हूँ मैं। इसकी चीनी घुल जाएगी अच्छी तरह, फिर इसको 10 मिनट में और स्लो फ्लेम पर पकने दूंगी क्योंकि मुझे स्टोर करके रखना है। पकते पकते और गाढ़ा हो जाएगा ये। इसको 10 मिनट में पकने देती हूँ स्लो फ्लेम पर। थोड़े से ये मगज भी डाल रही हूँ मैं, ये रोस्ट किए हुए हैं। इसमें आप लोग किशमिश भी डाल सकते हो, खजूर आती है गीली खजूर वो भी काट के डाल सकते हो, जो भी आपका जैसे मन हो। या मगज डाल सकते हो, ठीक है। देखिए पकते पकते कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है ये। 5 मिनट और इसको मैं पका लूँगी। देखिए ये वाली मैंने इमली का यूज़ किया है मीठी चटनी के लिए, जो हम खट्टी मीठी चटनी ये बना रहे हैं। तो ये काली इमली है, ये थोड़ी मीठी होती है, तो आपको वो ब्राउन वाली इमली नहीं लेनी है क्योंकि वो बहुत ही खट्टी होती है। और ये वाली इमली लोगे तो इससे अपना इमली का पल्प वो भी ज़्यादा निकलेगा और एकदम गाढ़ा गाढ़ा ऐसे निकलता है, तो बहुत ज़्यादा ही निकल आएगा इसका पल्प। और देखिए कलर भी इतना अच्छा आया ये काली इमली से, देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी चटनी। तो आप लोग भी कोशिश करें काली इमली से ही ऐसे बनाने की। देखिए दोस्तों पक गई अच्छी तरह से हमारी चटनी। चलिए अब मैं थोड़ी सी आप लोग को सॉसर में निकाल के बता देती हूँ। देखिए इसका ड्रॉप भी कितना आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। तो अच्छी तरह पककर तैयार हो गई है ये। अब ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी होगी ये चटनी। देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी है, जैसी डाला है मैंने सॉसर में तो वैसी जमी हुई है, कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है, बहुत ही लाजवाब इसका स्वाद लग रहा है। चलिए अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब इसको हम 10 मिनट और ठंडा होने देते हैं। यही ऐसे बनाने की। देखिए दोस्तों पक गई अच्छी तरह से हमारी चटनी। चलिए अब मैं थोड़ी सी आप लोग को सॉसर में निकाल के बता देती हूँ। देखिए इसका ड्रॉप भी कितना आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। तो अच्छी तरह पककर तैयार हो गई है ये। अब ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी होगी ये चटनी। देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी है, जैसी डाला है मैंने सॉसर में तो वैसी जमी हुई है, कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है, बहुत ही लाजवाब इसका स्वाद लग रहा है। चलिए अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब इसको हम 10 मिनट ठंडा होने देते हैं। फिर हम अपने बर्तन में भरकर रख देंगे इसको, बर्तन या कोई भी अपने जार में, ठीक है। चलिए चटनी ठंडी हो गई है, अब हम इसको इस हमारे बाउल में निकाल लेते हैं।
देखिए इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो अब रमज़ान भी आ रहे हैं, तो अब हम इसको फ्रिज में स्टोर करके रख लेंगे। जब भी हमारा मन होगा कचौरी से, पकौड़ों से, समोसों से, और जो अब दही बड़े खाते हैं तो काफ़ी चीज़ों में काम आने वाली चीज़ है। तो आप लोग भी ऐसी रमज़ान के लिए स्टोर करके रख सकते हो। जब कभी भी आपका मन होगा खाने के लिए, झटपट निकाले फ्रिज से और अपना काम भी अपना कम हो जाएगा। रमज़ान में वैसे ही बहुत काम होते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप लोग भी ट्राई करें इस रमज़ान, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।